सुहेल गाइस वेलकम बैक एंड माय न्यू वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में मैं खेलने वाला हूं माइनक्राफ्ट सुपर नोब डिफिकल्टी मोड। ये आज मैं सुपर नोब डिफिकल्टी मोड खेलने वाला हूं माइनक्राफ्ट पीई में। अगर गाइस आपको भी ये सुपर नोब डिफिकल्टी मोड चाहिए तो मैं आपको अगली वीडियो में आपको दे दूंगा। सो आज मैं खेलने वाला हूँ भाई सुपर नोब डिफिकल्टी मोड। और आज मेरे कुछ चैलेंजेस होने वाले हैं, जैसे कि एंड ड्रैगन को बीट करना, अपने लिए फुल एन्चेंटेड नेदरराइट का आर्मर बनाना और अपने लिए फुल ही मॉडर्न हाउस बनाना, जो कि देखते हैं कि आज मैं सारे चैलेंजेस कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं। और अपने लिए एक डायमंड का बीकन भी बनाना है मेरे को भाई। डायमंड का बीकन भाई मजाक थोड़ना है भाई, एक विदर को मारना पड़ता है उसके लिए बीकन बनाने के लिए। सो लेट्स आज की वीडियो भाई बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहना। वीडियो को स्टार्ट करते बिना कुछ देरी के। ये मुझको यार हॉर्न क्या बोलते हैं उसको, पार्टी पॉपर है ये हॉर्न नहीं, ये मुझको हॉर्न बड़ा अच्छा मिल रहा है यार, ऐसे कोऑपरेट ना आ जाए बस इतना ही। चलो मैं फटाफट से थोड़ा बहुत यहाँ पे पेड़ वेड़ काट लेता हूँ। फटाफट से पेड़ वेड़ काटो, फटाफट से थोड़ा बहुत मेरे को टूल्स बनाने होंगे वुड के, मतलब वुडन टूल्स। फिर बनाने होंगे मेरे को स्टोन के टूल्स। चलो मैं फटाफट से स्टोन के पहले क्या वुड की टूल बनाता हूँ ना। कितने वुड मतलब कितना वुड काटना होगा, एक वुड से तो एक क्राफ्टिंग टेबल बनेगा, बल्कि एक देख लेते ना पहले हैं भाई। यहाँ पर डायमंड है सिर्फ एक कोबल स्टोन से, शिट यार, होली मोली। यस गाइस मेरे को डायमंड ऐसे मिल जाएगा या फिर मेरे को माइन करने जाने की जरूरत ही नहीं है। दूर दूर पहले मेरे को क्राफ्टिंग टेबल बनाने दो यहाँ पे। चलो मैंने क्राफ्टिंग टेबल बना लिया है, थोड़ा बहुत मैं स्टिक्स बना लेता हूँ अपने लिए और थोड़े बहुत मैं टूल्स बनाता हूँ। फटाफट चलते हैं यार, एक बनाने के लिए डायमंड की शॉर्ट बना सकता हूँ मैं एक डर्ट और एक स्टिक से भाई, एक डर्ट से। रुको रुको एक डर्ट तोड़ते हैं यहाँ से। यस गाइस मैंने अपने लिए एक डर्ट तोड़ लिया है, एक स्टिक। ओ भाई यहाँ पे मेरे को अपने डायमंड की स्वॉर्ड मिल चुकी है। और ये एन्चेंट क्यों नहीं हुई गाइस, एन्चेंट हो जानी चाहिए ना इसको भाई, एन्चेंट नहीं हो रही यार, क्या हो गया रहा यार भाई। सुपर नोब डिफिकल्टी मोड खेल रहा हूँ तो यहाँ पे ये क्या, ये क्या यार, मेरे को आते ही डायमंड का आर्मर मिल चुका है यहाँ पर, और ज़ॉम्बी ने मेरे को 25 डायमंड भी यहाँ पे दे दिए यार भाई। ये क्या हो रहा है यार, अभी तो भाई नूब डिफिकल्टी मोड में मेरे को एंड ड्रैगन को बीट करने से कोई रोक ही नहीं सकता। छी छी यार भाई कितना मजा आएगा यार अभी तो। तो भाई मैं फटाफट थोड़ा स्टोन को कलेक्ट करता हूँ और अपने लिए थोड़ा स्टोन के टूल्स उसमें बना लेता हूँ फटाफट से, जितना भी हो सकते हैं। 12 से तो एक बनेगा, चलो इतना तो बहुत होगा। अपने लिए फर्नेस भी बना लेंगे, खाना थोड़ा बहुत कुक करने की जरूरत नहीं भाई, इतना सारा कुक खाना मेरे को मिल चुका है। मैं अपने लिए एक डायमंड का मेरे पास चेस्ट प्लेट है, तो एक मैं ये बनाता हूँ, एक ये बनाता हूँ और एक ये बूट्स बना लिए गाइस। यस गाइस मैंने अपने लिए बूट्स भी बना लिए। और ये मैंने क्या खोल दिया यहाँ पे, अरे रुको अपना मैं करेक्टर कैसे लगाऊँ, क्रिएटर, अच्छा आ चुका है, आ गया। चलो पे बूट्स बनाते हैं यहाँ पे। तो ये भाई पूरा डायमंड का आर्मर बन चुका है भाई, वीडियो के लगभग 3 मिनट हुए होंगे मेरे को इस वर्ल्ड में आए हुए, सिर्फ 3 मिनट मेरा पूरा आर्मर बन गया यहाँ पे। क्या बताऊँ यार पूरा आर्मर बन चुका है मेरे यहाँ पे भाई, बहुत ही मज़ा आ रहा है यार मेरे को तो। स्वॉर्ड सब कुछ है मेरे पे, एक सवल बना लेते हैं। चलो भाई हो गया मेरे तो भाई सब कुछ हो चुका है यहाँ पे। और मेरे एक वुडन एक्स यहाँ पे आ गई और ये रुको ये ओके भाई सब कुछ मैंने यहाँ पे अपने बना लिया आर्मर टूल्स वगैरह वगैरह। और अभी मेरे को यहाँ पर जो है अब क्या करना होगा, थोड़ा बहुत मेरे को ट्री काटने होंगे और थोड़ा अपने लिए घर बनाना होगा। तो लेट मैं लगता हूँ फटाफट से थोड़ा वुड इकट्ठा करने में और मैं मिलता हूँ आपसे 2 मिनट के में। और भाई मैं 2 मिनट में मिलने के चक्कर में भाई मैं मर जाता यार भाई, मैं भाई मर जाता यार शिट भाई, मेरे को ये हॉर्न बजाने में मज़ा बहुत आ रहा है। सो लेट्स मैं आपसे मिलता हूँ सिर्फ 2 मिनट में। सो गाइस यार मेरे को यहाँ पर वर्ल्ड में आए हुए सिर्फ लगभग 10 मिनट के आसपास हुए होंगे। और ये देखो भाई मेरी पूरी इन्वेंट्री डायमंड से वो भर चुकी है, इतना डायमंड डायमंड हो चुका है मेरे पास। चलेट भाई भी मैं बहुत सारे यहाँ पे बेड को भी बना सकता हूँ, मैं फटाफट से बहुत सारे बेड को क्राफ्ट करूँगा यहाँ पे। कितने बन जाएंगे भाई, लगभग 10 बेड मैं अपने बना सकता हूँ। चलो जितने बने उतने ही बहुत है अभी, वो सारी वुल को यहाँ पे फेंक दो। और जितना खाना मेरे को इतना नहीं चाहिए भाई, इतना खाना मैं अपने पास रख क्यों रहा हूँ, अरे मेरे को इतना खाना चाहिए ही नहीं भाई, इतना खाना मेरे को नहीं चाहिए, फेंको भाई उल्टियाँ हो जाएगी मेरे को यहाँ पे। हाँ इतना खाना तो मेरे को दे रखा है, तुमने बहुत सारे स्वॉर्ड्स भी दे रखी है, तो मेरे को इतने सारे स्वॉर्ड्स तो नहीं चाहिए और एक सवल तो चाहिए होगा। और मेरे पास ऑलरेडी एक पिकेक्स पड़ी हुई है, एक्स भी है, मेरे को चाहिए नहीं पिकेक्स तो मेरे को नहीं चाहिए। चलो मैं पिकेक्स को फेंक देता हूँ
और मेरे को थोड़ा बहुत इन्वेंटरी को खाली करना पड़ेगा, ये यहाँ पे फेंको, और थोड़ा बहुत मेरे को वुड को यहाँ पे रखना होगा क्योंकि मेरे को घर बनने के लिए चाहिए होगा ना थोड़ा वुड। और अपने बेड को भी यहाँ पे मैं रख लेता हूँ बचा के यहाँ पर, और अपने पार्टी पॉपर को तो मैं अपने पास में रखूँगा भाई। यस गाइस, मैंने अपनी पूरी इन्वेंटरी को सेट कर लिया है, और यहाँ पर मेरे को भाई एक वो क्या बोलते हैं उसको, वो नेदर पोर्टल भी मिल चुका है। ओ भाई, अब मेरे को नेदर पोर्टल मिल चुका है, तो देखते इस चेस्ट के अंदर मुझे क्या मिलने वाला है। फ्लिंटन स्टील, ओके भाई फ्लिंटन स्टील। और यहाँ पे आ भाई, पोर्टल इग्नाइट क्यों नहीं हुआ? ओहो भाई, उसमें एक वो क्या बोलते हैं उसको, फ्यूल की कमी है थोड़ी बहुत। मेरे को पिकेक्स को हटाना पड़ेगा। चलो फटाफट से यहाँ पे एक लगाते हैं, फटाफट से पोर्टल करते हैं इग्नाइट। चलते हैं पोर्टल के अंदर और देखते हैं कि मेरे को क्या मिलेगा। चलो गाइस फटाफट करना है, तो मेरे को थोड़े बहुत आई फेंडर्स भी चाहिए होंगे, जो कि भाई मैं आते ही डैमेज को ले रहा हूँ, भाई मैं आते ही डैमेज ले रहा हूँ। मेरे को डैमेज की कुछ आवाज़ तो आई, और पता नहीं मैं क्या डैमेज ले रहा हूँ। भाई मैं जल्दी आ जा, इतना वक्त लगाएगा यार, इतना वक्त तो भाई कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया यहाँ पे। चलो थोड़े बहुत यहाँ पे थोड़ा नेदर क्या होते हैं इसको, हाँ नेदर को थोड़ा बहुत फिर तोड़ लेता हूँ मैं, क्योंकि ये नेदर भाई बहुत काम आने वाला है मेरे को आगे जाके। चलो फटाफट से तोड़ता हूँ नेदर ऑक, इतने लगभग बहुत होंगे ना, कितने 16 हो चुके हैं, 24 तो मेरे को करने होंगे यहाँ पर। चलो फटाफट से यहाँ पे करता हूँ, 24 22 हो चुके हैं, 23 24 ओके 27 लगभग मेरे को बस 34 हो चुके, 34 ओके। अपना क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पर निकालता हूँ, ये अपना रखा क्राफ्टिंग टेबल, ये बना अपना नेदराइट का आर्मर। ओ भाई, अपना नेदराइट का आर्मर भी बन चुका है पूरा, और अपने लिए एक नेदराइट की स्वॉर्ड भी बन चुकी है भाई, खतरनाक फुल खतरनाक। चलो अपना फटाफट से नेदराइट का आर्मर फेंक देते हैं, और डायमंड का आर्मर मैं फेंक देता हूँ आग के अंदर। चलो यहाँ पे आग लगी हुई थी पहले से, तो इस आग में अपना ये डायमंड का आर्मर समर्पित कर देता हूँ यहाँ पे। चलो भाई, सब सारा डायमंड का आर्मर समर्पित मैंने कर दिया है, ये एक्स भी नहीं चाहिए, सवाल भी नहीं चाहिए, स्वॉर्ड तो मेरे को चाहिए होगी, डायमंड तो भाई बहुत चाहिए होंगे, मेरे को बहुत सारे डायमंड चाहिए होंगे। ये ट्री की सेटलिंग भी नहीं चाहिए, और जितनी मेरे पास इन्वेंट्री में जितना भी सामान है सारों को सेट वाइट कर लेता हूँ यहाँ पे, सेटल मेटल कर देता हूँ मैं फटाफट से। मैंने सेट अपना पार्टी पॉपर फेंक दिया यार आग में, यार सेट यार मैंने अपना पार्टी पॉपर फेंक दिया यार कहीं पे, तो यार अब मैंने वो कहाँ पर फेंका पता ही नहीं यार। चलो कोई बात नहीं, मेरे को मार कौन रहा है? मार देगा ये मेरे को, भाई मार देगा, एक्स से भाई, एक्स से मेरे को ये मार देगा, मेरे को मार देगा भाई, मेरे को बहुत गंदा मारेगा ये। नहीं शिट भाई, मेरे पीछे बहुत सारे पड़ चुके हैं। नहीं 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 नहीं, मैं मर जाऊँगा, भाई सही बता रहा हूँ भाई, मैं मर जाऊँगा यार, यहाँ पर मैं मर जाऊँगा। बिल्डअप बिल्डअप, गाइस बच गया ये, देखो भाई एक जना तो मेरे पीछे पीछे भग के आ गया इतने दूर। रुको रुको भाई, रुको रुको बताता हूँ उसको, रुको इतने दूर से मैं उसको मतलब कुछ कर नहीं सकता है, तो मैं आपको एक ब्लॉक को तोड़ता हूँ। ओ भाई, यहाँ पे मेरे को एक एक जने ने इतना सारा आइटम्स दे दिया यहाँ पे भाई, शांटेड गोल्डन एप्पल भाई, क्या यार क्या बताऊँ मैं आपको, इंचांटेड गोल्डन एप्पल दे दी, ठीक है 16 एंडर पल्स भी मिल चुके मेरे को। अब मेरे को क्या चाहिए, ब्लेज रोड चाहिए ना, तो पता नहीं मेरे को कहाँ पर मिलेगी ब्लेज रोड। और ये देखो दो जने और हैं यहाँ पर, नहीं ज़्यादा है भाई, दो से ज़्यादा ही है। और ना मेरे पास वो कुछ है नहीं ना चीज़, मैं इनको ऐसे मारूँ भाई, दूर से मारो, दूर से मारने की मैं पूरी कोशिश करूँगा इनको भाई, पूरे मारेंगे भाई इनको। मैं डायमंड गोल्डन एप्पल भाई, इनको मैं गोल्डन एप्पल दे सकता हूँ भाई, इनको मैंने गोल्डन एप्पल दिए, मेरे को मारोगे भाई, रेला रेला के वापस मैंने इनको मार दिया है। और मेरे को 8 इंचांटेड गोल्डन एप्पल भाई, तुम क्या देख रहे हो? ओ नो ओ नो, अरे भाई दूर से मारो इनको, अगर पास आ गया भाई मारो, अरे मत भाई अभी तक मरा नहीं है भाई। फाइनली मैंने इनको मार दिया है यहाँ पर, मेरे को फिर बहुत सारे इंचांटेड एप्पल तो मिल चुके हैं, तब मेरे को और कुछ नहीं चाहिए या फिर उसके पास इंचांटेड सॉर्ड है। चलो यार छोड़ो यार, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे को चाहिए थोड़ा बहुत ब्लेस रोड्स,
अब मेरे को ब्लेज रोड कहाँ पे मिलेंगे वो भी नहीं पता मेरे को, क्या बोला एक फोर्ट्रेस ढूंढनी पड़ेगी और वो ढूंढने के लिए भाई बहुत ही टाइम लग जाएगा मेरे को लगभग। मेरे अब अभी गास्ट हुई है, इस गास्ट को मारूँ क्या मैं, तो मर भी नहीं रही है भाई, मैं मार भी नहीं पा रहा ना इसको। भाई मैं लावा से जल के मर सिर्फ एक हिट कहूँ मैं, सिर्फ एक हिट नहीं, भागो भागो भाई भाई भागो यार, मैं सिर्फ एक हिट का हूँ भाई, मेरे को मरना नहीं है भाई, इतने जल्दी नहीं मरना भाई मेरे को यार। यहाँ पे पैर तो भाई कुछ और के लिए था, मेरे को मिल कुछ और रहा है यार यहाँ पे। भागो भागो, यहाँ पे मेरे पास स्टोन पड़े हुए कोबल स्टोन, चलो मैं यहाँ पर वो आ रहे तब तक थोड़ा मैं बिल्डअप कर लेता हूँ। ओ नो भाई ये नो, ओ नो ना 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 ना, मार दिया मार दिया मार मार दिया, रुको रुको मैं आ रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ। सो गाइस यार फाइनली मेरे को अपना सारा सामान यहाँ पर मिल चुका है और अभी मैं चलता हूँ फटाफट से अपने नेदर मतलब अपने ओवरवर्ल्ड में, मतलब चलता हूँ अपने ओवरवर्ल्ड में, मेरे को यहाँ पर ओवरवेल्ड में आ चुका हूँ और मेरे को पे सोने की जरूरत बहुत है भाई, क्योंकि मैं लगभग दो दिन से नहीं सोया हूँ ना अभी, तो मैं फटाफट से पे सो जाता हूँ और मैं आपको सुबह मिलता हूँ, इसलिए मैं सोता हूँ। तो गाइस गुड मॉर्निंग गाइस, मैं उठ चुका हूँ, तो अभी मेरे को बनाना अपने लिए एक मॉडर्न हाउस, तो मॉडर्न हाउस बनाने के लिए मेरे को फटाफट से अपने पे क्राफ्टिंग टेबल रखना होगा भाई। मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल कहाँ पे रख के आ गया, ओ यार शिट, मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल नेदर मतलब नेदर में भूल के आ गया ना वहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, अपने क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पर रखते हैं। वो थोड़े बहुत मेरे को चेस्ट बनाने होंगे, दो चेस्ट तो बहुत होंगे मेरे हिसाब से, चलो एक यहाँ पर रखते अपने चेस्ट को। मेरे को सवाल चाहिए होगा खाने पीने का, जितना भी सामान है गोल्डन एप्पल ये सारा यहाँ पर रख देता हूँ, बाद में मैं ले लूँगा ना अपना सारा सामान। पहले मैं सारा सामान यहाँ पे आराम से लाइन लाइन बार मतलब रख देता हूँ ना यहाँ पे, जितना भी सामान मेरे पास। सो गाइस यार मैंने अपना पूरा घर पे बना के कंप्लीट कर लिया है और मेरे पास इतना डायमंड हो चुका है ना, तो ये देखो यार मैंने अपना पूरा यहाँ पे दो दो डायमंड के हार्बर, एक स्वॉर्ड के साथ और एक एक्स के साथ, और डायमंड के हार्बर को तोड़ता तो नहीं दिया ना, और यहाँ पर मैंने अपने डायमंड का एक झूमर भी बना रखा है, इतना कूल लग रहा है ना ये घर भाई, देख के भाई इतना मस्त लग रहा है मेरे को, बाहर से दिखाता हूँ आपको मैं। और मैं आज फुल तैयार हूँ अपने एंडर ड्रैगन को बीट करने के लिए, और मेरे नेदरराइट के बूट्स कहाँ चले गए, ये रहे ना पड़े हुए हैं यहाँ पे नेदरराइट के बूट्स, मेरे को फ्लिंटन स्टील तो वैसे नहीं चाहिए, चलो अपने नेदरराइट के बूट्स लेते हैं और यहाँ से उठाते अपने फ्लिंटन स्टील। ओके मेरे पास 13 गोल्डन एप्पल्स भी है, चलो आज मैं चलता हूँ भाई, आज मेरे को जाना है एंडर ड्रैगन को बीट करने, और इससे पहले मैं अपना गेट को बंद कर देता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे बाई चांस वहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसको क्रीपर आ गया ना, तो वो तो मेरा घर को भाई फोड़ के रख देगा कतई। चलो भाई 20 अपने आई ऑफ एंडर, 20 आई ऑफ एंडर बन जाएंगे इससे, तो चलो मैं अपने 20 आई ऑफ एंडर्स बना लेता हूँ ये। ओके गाइस मेरे अपने 20 आई ऑफ एंडर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो अभी मेरे को जाना होगा सीधे एंडर ड्रैगन को बीट करने के लिए, और कुछ भी बिना कुछ देरी के चलते हैं। और आप बाहर से घर देखो यार कितना प्यारा लुक दे रखा है मैंने अपने घर को, और पीछे से भी एकदम मैंने प्यारा सा लुक दे रखा है, क्योंकि देखो यार इतना मस्त लग रहा है मेरे घर। चलो फटाफट चलते आयो फेंडर एक मार के देखता हूँ कि भाई आयो फेंडर जा कर रहा है वैसे। ओके भाई ये पहाड़ों के ऊपर जा रहा है जंगलों के पार, भाई मेरा एक आयो फेंडर भी फूट गया यहाँ पे, पता नहीं क्यों फूटा बस चलो फूट जरूर गया यहाँ पे। चलो फटाफट चलता हूँ ऊपर से, अभी चलते हैं सीधे एंड ड्रैगन को बीट करने के लिए, क्योंकि भाई मेरे को बहुत ही दिनों से इंतजार था कि अपना एक एंड ड्रैगन को मारूं, उसका नेक्स्ट जनरेशन वाला एक एग लेके आऊं उसके लिए। चलो मैं फटाफट चलते हैं, और मैं इलेक्ट्रा को क्राफ्ट नहीं कर सकता क्या, मेरे को इलेक्ट्रा को क्राफ्ट करके देखना है कि इलेक्ट्रा मेरे को मिलेगी क्या क्राफ्ट से, और वो बनती कैसे वो मेरे को खुद को नहीं पता। तो पहले चलते हैं सीधे बिना बकवास किए हुए, लगभग मेरे को बहुत दूर जाना होगा अपने एंड पोर्टल के लिए। अच्छा वो तो मैं अपने लिए पिकैक्स लेकर आ गया, अभी तो हो जाता है यही काम तमाम हो जाता मेरा। ओ नो भाई सीधे पानी में छलांग, ओ भाई मैंने पानी पे छलांग तो मार दिए, अब मैं क्या करूँ भाई, मैं डूब के मर जाऊँगा ऐसे तो। लैंड पे जाना होगा और वहाँ पर मेरे को क्या बोलते हैं उसको ब्लॉक लगा हुआ है, चलो भाई साहब ब्लॉक, इस ब्लॉक पे मेरे को रूम
और अब मैं पे अपना एक एंडर पल मारता हूँ तो मेरे को 7 समुद्र पार जाना होगा। और नौ मैं अपनी आयु फेंडर को भाई आगे मेरा आयु फेंडर ये रही नहीं नहीं यार मैंने अपने एक और आयु फेंडर नहीं फेंकनी मेरे को, मेरे दो आयु फेंडर मैंने अपने वेस्ट कर दिया। ठीक है एक तो आ गई एक तो वापस आ चुकी है। ओके 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 नहीं 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 अपने लिए एक बोट बनानी पड़ेगी। अपने अच्छा है मैं अपने लिए बहुत सारी लेकर आ चुका हूँ, क्या बोलते हैं उसको फूड में लेकर आ चुका हूँ। चलो फटाफट से अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल पे बना लेता हूँ। चलो मैंने अपने क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पे बना लिए और अपने लिए बोट बनाते हैं। बोट कैसे बनती है, बोट कैसे बनती है भाई, ऐसे करो तो यस गाइस अपने लिए एक बोट भी मैंने बना लिए। तो चलो फटाफट से अपने में एक्स लेकर नहीं आया ना, गलती से एक्स लाना भूल गया। चलो फटाफट से अपने क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पे तोड़ता हूँ, चलते हैं सीधे एंड ड्रैगन को खत्म करने के लिए। यहाँ पर अपनी बोट को रखो, मैं रख ही नहीं पा रहा। चलो अपनी बोट को रखो और चलो सीधे 7 समुंदर पार एंड ड्रैगन को खत्म करने। सो गाइस यहाँ पर मेरे को यहाँ पर पानी में जैसे मैं मतलब आ रहा था तो यहाँ पर ये देखो मेरे को ओशियन मेन्यूमेंट्स मिल चुका है यहाँ पर। और अभी मैं इसके अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भाई इसके अंदर वो मिलता है क्या बोलते हैं एंडर गार्डियन, वो भाई बहुत बड़ा वाला एंडर गार्डियन। चलो चलते हैं अंदर और देख कर आता हूँ भाई एंडर गार्डियन मतलब एंडर गार्डियन है कि नहीं है। इससे पहले मैं अपने लिए क्योंकि भाई मेरे को मरना ही नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल चांस नहीं लेना। और मेरे पास स्लो फॉलिंग लगा दिया किसने, रुको 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 नहीं 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 मैं मर रहा हूँ मेरी बोट का है, मेरी बोट का है। ठीक है मैं मर रहा हूँ, नहीं जाना इसके अंदर, मेरे को जाना ही नहीं है इसके अंदर यार। जिंदगी सवार दूँ एक नहीं बहार दूँ दुनिया ही बदल दूँ मैं तो प्यारा सा एक रोबोट हूँ। भाई मेरे को अपने विलेज मिल गया है भाई, मैं तो अपने सीधे सीधे मतलब बोट से होके आ रहा था एंडर ड्रैगन को डिफीट करने, और यहाँ पर मेरे को मतलब इतना बड़ा यहाँ पे विलेज मिल चुका है भाई, इतना बड़ा विलेज। चलो भाई यहाँ पे इतना सारा मेरे को अपने खाना दे दिया है तो खाना को भाई खाने को कौन छोड़ने वाला ना, जैसे भी बहुत सारे गोल्डन एप्पल है तब भी भाई मैं इस खाने को कैसे छोड़ सकता हूँ भाई। अरे रुको 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 मेरे को डायमंड से बनता है ना हो आया, मेरे को पहले थोड़ा बहुत स्टिक्स बनानी पड़ेंगी ना यार, मैं सीधी प्लैंक डाल रहा यार यहाँ पे स्टिक बनी नहीं यहाँ पे। चलो ओके भाई स्टिक्स बन चुकी है, स्टिक को यहाँ पे रखते हैं, फिर इसको यहाँ पे ऐसे फिर से एक हो बन चुका है मेरा डायमंड का। चलो भाई मेरा डायमंड का हो भी बन चुका है, फटाफट से इस क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पे तोड़ते हैं। भाई इतना बड़ा विलेज मिला भाई, देखो यार एक नोटिस तो करा है इतना बड़ा विलेज भाई, पहली बार मिला भाई मेरे को इतना बड़ा विलेज। तो भाई यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर इस विलेज के नीचे देखो एंड पोर्टल मिलेगा कि नहीं। भाई मेरे सब तो यहीं पर ही होना चाहिए, और इससे पहले मैं अपने विलेजर के घर के अंदर जाके सोना चाहता हूँ। चलो हट हट भाई, घर में मेहमान आए हैं, मेहमान को नहीं सोने दे रहे हैं, खुद को सोना जाकर अंदर, मेरे को सोने दे पहले। चलो गैस गैस सुबह हो चुकी है, अब जाना है मेरे को सीधे एंड ड्रैगन के पास। और इससे पहले मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे विलेज को मैं टूर कर लेता हूँ कि भाई सुबह ब्लैक्स में चाहिए कि नहीं है, जैसे तो मेरे पास डैम मतलब नेदरराइट का आर्मर है वैसे। चलो अपन एक भी मार के देखते हैं कहाँ गया वो, कहीं तो गया है, रुको 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 गाइस उस साइड मतलब वहाँ पर गया है। अरे अपना मेरा आयु फेंडर कहाँ है, छी यार वहाँ पर जाके लटक गया है आयु फेंडर, तो लगभग विलेज के उस साइड होना चाहिए। तो सीधा मैं मिलता हूँ आपको एंड पोर्टल के पास। गाइस मैं यहाँ से मतलब विलेज के जस्ट नीचे से ना पाए, मैं सीधा आया मतलब यहाँ पे खुदाई वदाई कर रहा था सीधे एंड पोर्टल के लिए, और मेरे को विलेज के जस्ट नीचे ही मिल चुका एंड पोर्टल। यस अब मजा आएगा ना बिड़ू, अब तो गया भाई एंडर ड्रैगन तो गया, अब तो गयो भाई एंडर ड्रैगन। चलो अभी अपने सारे जितने भी एंडर वो क्या बोलते हैं आयु फेंडर है उनको मैं फेंक देता हूँ, और यहाँ पे मेरे को रखने होंगे थोड़े बहुत एंडर पल्स। तो चलो चलते सीधे एंड में, एंड में जाने के बाद मेरे को यहाँ से थोड़ी खुदाई करनी होगी ऊपर जाने के लिए। बिल्कुल गाइस यहाँ से नहीं जाना होगा, अगर मैं यहाँ से अगर एंडर पल को मारता हूँ तो मैं सीधा भाई नीचे वर्ल्ड में गिर सकता हूँ, और उसकी वजह से भाई मैं मर भी जाऊँगा ना यहाँ पे। तो मेरे को भाई एकदम सावधानी बरतनी होगी यहाँ पर, तो कुछ भी हो जाए मरना तो है ही नहीं भाई। चलो भी फटाफट से यहाँ से ऊपर थोड़ा खोद दी मतलब खुदाई कर लेते हैं,
यहाँ से अरे मैं बाहर कब निकलूंगा बाहर में, अभी तक मैं बाहर नहीं निकला हूँ। चलो ठीक है, इसमें पे निकल चुका हूँ बाहर। यहाँ से ऐसे ऐसे तोड़ो इसको, ऐसे तोड़ो भाई, कितना खुदाई करनी पड़ रही है मेरे को यहाँ पे। एंड में आके भी मेरे को खुदाई करनी पड़ रही है, बताओ यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। चलो क्या आ गया, ओके मैं आ चुका हूँ यहाँ एंड ड्रैगन के पास। ओके अब देखते हैं कि मेरे को कहाँ स्पॉन होगा। ओ भाई यप, अब मेरे को जो है सारे कस्टम को फोड़ना होगा। अब मेरे को जो है नुबड़ा पंती नहीं करनी है, क्योंकि भाई पिछले बार मैं मर गया था भाई। एरो मारा मतलब एंड ड्रैगन को, और वो यहाँ पे एक एरो में मर चुका है भाई। नूब का पावर तो भाई बहुत खतरनाक है यार। मतलब एक ही एरो मारा जैसे कि एकदम नॉर्मल एरो मारा इसे, और एक एरो में वो खत्म हो चुका है भाई। एक एरो में खत्म हो गया वो भाई, कितनी खतरनाक बात है यार। एक एरो में कौन खत्म होता है वैसे। अरे भाई मैंने तो एंड ड्रैगन को सिर्फ एक एरो में मार दिया। जितनी भी एक्सपी सारी एक्सपी का इकट्ठा करो। भाई एंड ड्रैगन कितना पुराना भाई, मतलब कितना बूढ़ा हो चुका है भाई। इतनी मतलब टोटल 68 ईयर्स ओल्ड है लगभग। एग कहाँ पे चला गया वो भी, मेरे को यार एग लेना था यार, वो एग कहाँ चला गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।